ये है एबीपी न्यूज नेटवर्क। और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा प्राइम बुलेटिन गंगा प्राइम। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। सुबह के बज गए 9 और नजर हेडलाइंस पर डालते हैं। हेडलाइंस के सह प्रायोजक अब गर्मी को कहो गुड बाय थर्मोकूल कूलर्स के साथ। आरएचएल गोल्ड 500 एचडी सरिया, तौल से छुटकारा पाएं, सरिया गिनकर घर ले जाएं। किसान ग्रीन पैराडाइज लखनऊ अनलॉक ऑफर मात्र 451 रुपए पर स्क्वायर फीट, बुक करें और साथ ही पाएं निश्चित उपहार। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 297 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 11,630। कोरोना से अब तक 321 लोगों की मौत। सोनभद्र के जवान ने सियाचिन से लगाई इंसाफ की गुहार, स्थानीय पुलिस पर लगाए बेवजह परेशान करने के आरोप, एसपी सोनभद्र ने दिए मामले में जांच के आदेश। नामी स्कूलों में पढ़ेंगे गरीबों के बच्चे, पहले चरण में 47,000 से ज्यादा बच्चों को स्कूल आवंटित, बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी योगी सरकार। हापुड़ में हिस्ट्री शीटर बदमाश से पुलिस की मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ शातिर बदमाश, कई मामलों में था वांटेड। शुरुआत करते हैं गंगा प्राइम की सबसे पहले बड़ी खबर वाराणसी से, जहां पर विकास कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री खुद समीक्षा कर सकते हैं विकास कार्यों की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री समीक्षा कर सकते हैं केंद्र सरकार की परियोजनाओं का, वो अपडेट ले सकते हैं। इस बीच में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये भी दे दें कि प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर रविंद्र जायसवाल, उन्होंने निरीक्षण भी किया था और बड़ी गड़बड़ियां उन्होंने उनको मिली हैं। गुणवत्ताहीन वहां पर कार्य चल रहा था और अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद समीक्षा करने वाले हैं अपने संसदीय क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की। स्मार्ट सिटी सरीके बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा कर सकते हैं। खबर अब बरेली से, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला और आग के तांडव से बरेली में भगदड़ मच गई। तस्वीरें इज्जत नगर के नैनीताल हाईवे से सामने आई हैं, जो हमने आपके सामने अब रख भी दी हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए जहां पर ट्रक में भयंकर आग लग गई थी। दरअसल ये ट्रक बेकाबू होकर बिजली के पोल से जा टकराया था, जिसके बाद बिजली का तार ट्रक पर गिरा और ये पूरी तरह से जलकर खाक हो गया, जिसके चलते यहाँ पर लंबा जाम भी लग गया। उसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की गई लेकिन ट्रक धू धू कर जलता चला गया। बरेली की तस्वीरें, ये बिजली के पोल से जा टकराया था ट्रक और उसके बाद तार, बिजली का तार इसे टकराया और इसमें चिंगारियां भड़की और देखते देखते सुलगने लगा, धड़कने लगा ये ट्रक। मेरठ से बहुत बड़ी खबर मिल रही है, गिरफ्तार गौतस्कर कोरोना पॉजिटिव मिला है। अस्थायी जेल में टेस्टिंग के बाद में ये खुलासा हुआ है। एक गौतस्कर को पकड़ा गया था और इस बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये मिल रही है कि ये तो कोरोना संक्रमित मिला है। अस्थायी जेल में टेस्टिंग के बाद में खुलासा हुआ है और आरोपी के संपर्क में 6 पुलिसकर्मी आए थे, क्वारंटीन किए गए। मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया था, मुठभेड़ के बाद कामयाबी मिली थी। लेकिन ये आपको जानकारी देते हैं कि कड़ी मशक्कत के बाद इसको पकड़ा गया था पुलिस की तरफ से, लेकिन ये कोरोना संक्रमित मिला है। सबसे चिंताजनक बात यही है कि 6 पुलिसकर्मी अब क्वारंटीन किए गए हैं, जो इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आए थे, क्योंकि मुठभेड़ के बाद ये पकड़ा गया। बात अब 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की।
बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ इस पूरे मामले में और उसकी जांच आज से एसटीएफ शुरू करेंगे। और रडार पर है बीजेपी के नेता और इस परीक्षा में टॉप करने वाले अभ्यर्थी जिन पर शिकंजा कसा जा सकता है। हालांकि इस पूरे मामले में दो टॉपर समेत 11 लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है। अब क्या कार्रवाई इसमें की जा रही है, ग्राउंड जीरो पर हलचल क्या है, टीम पहुंची या नहीं पहुंची, कितने सदस्य टीम के पहुंचे, जांच कैसे शुरू होगी, सबसे पहले पूछताछ शुरू होगी या क्या किया जाएगा, ये सारी जानकारियां हम अपने संवाददाता से लेंगे। और मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ भी गए। मोइन, आप बताइए कितने सदस्यीय टीम है, टीम क्या पहुंच गई है और क्या जांच शुरू कर दी है टीम ने? जी बिल्कुल, दो दिन पहले ही इस भर्ती मामले की जांच जो है वो एसटीएफ को सौंपी गई थी। एसटीएफ हेडक्वार्टर ने कल रात को ही एक टीम का गठन कर दिया है। ये टीम जो है एडिशनल एसपी नीरज पांडे की अगुवाई में गठित की गई है। टीम ने रात को अपना होमवर्क किया है और आज से वो फील्ड वर्क शुरू करेंगे। उम्मीद ये जताई जा रही है कि पहले राउंड में उन अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी जो संदिग्ध सेंटर्स पर थे, जिन्होंने परीक्षा पास की थी और जिनको उम्मीद से ज़्यादा नंबर मिले हैं। तो ऐसे तकरीबन 50 लोगों की एक लिस्ट तैयार की गई है और उन सारे लोगों से पूछताछ की जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें हिरासत में लिया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इसके साथ ही साथ कई सेंटर्स के संचालक भी एसटीएफ के रडार पर होंगे। एक बीजेपी नेता भी एसटीएफ के रडार पर होगा जिसका सेंटर है और जो कुछ दिनों पहले ही टीईटी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराने के आरोप में जेल भेजा गया था। यह बीजेपी नेता एक हफ्ते पहले ही जमानत पर जेल से छूटा है। तो आज से एसटीएफ की टीम काम करेगी, किस तरह से काम करेगी ये सारी की सारी बातें गोपनीय रखी गई हैं। क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है, एक बड़ा रैकेट सामने आया है, इसलिए इसमें गहराई से पड़ताल करने की जरूरत है। मोहिन, आप दर्शकों को आपने समझाइए कि जो संदिग्ध सेंटर्स की बात कर रहे हैं ये कौन कौन से हो सकते हैं। दूसरा एक बड़ा सवाल तो ये भी होगा कि पेपर कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि कुछ टॉपर बन गए हो, कुछ लोगों के मार्क्स कम आए हो, कुछ पीछे रह गए हो, तो ऐसे में सिर्फ टॉपर्स ही रडार पर हैं या प्रयागराज में इन सेंटर्स में जिन्होंने एग्जाम दिया जो अभ्यर्थी थे वो सभी रडार पर हैं? देखिए, पुलिस ने भी इस बात पर जांच की थी कि जो डॉक्टर केएल पटेल है, जो पूरे गिरोह का सरगना है और झांसी का मेडिकल ऑफिसर है, मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में उसका नाम था और तकरीबन 1.5 महीने तक वो भोपाल की जेल में था, उसके अपने खुद कई कॉलेज हैं और उसके गिरोह से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके भी कई कॉलेजेस हैं। तो ये सारे के सारे जो कॉलेजेस हैं, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा में सेंटर बने थे, ये सारे सेंटर्स को जो जाँच एजेंसी है वो संदिग्ध मान रही है। और जो पुलिस के पास अब तक जो जानकारी थी कि डॉक्टर केएल पटेल के सेंटर से ही 45 मिनट पहले पेपर लीक किया गया था, अब इनको कहां कहां तक पहुंचाया गया, कितने जिलों तक पहुंचाया गया, प्रयागराज पुलिस जब इस मामले की जांच कर रही थी तो अफसरों का ये कहना था कि ये पेपर अकेले प्रयागराज तक सीमित नहीं था, तकरीबन एक दर्जन जिलों के कुछ सेंटर्स तक भिजवाया गया था। तो कितने सेंटर्स तक भिजवाया गया था, कितने अभ्यर्थियों तक पहुंचाया गया था, क्योंकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक गिरोह के लोगों ने कम से कम 50 लोगों को पैसे लेकर परीक्षा में पास कराने की बात कबूल कर ली थी, जबकि अफसरों का अंदेशा इस प्रकरण से जुड़े हुए सवाल इतने ज्यादा हैं कि ना उसके जवाब हम दे सकते हैं ना आप दे सकते, क्योंकि लगातार स्टूडेंट्स को यही आस है, अभ्यर्थियों को यही आस है कि मीडिया जवाब दे, लेकिन जवाब तो अधिकारी जांच के बाद ही देंगे और जो जिम्मेदार वही देंगे। लेकिन मोहन, सवाल अब यह है कि जो अधिकारी जांच करें, जरा उनके बारे में आप बता दीजिए कि उनकी छवि किस तरह की है और उनको ही ये जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई जांच की? देखिए, जो एडिशनल एसपी नीरज पांडे की अगुवाई में टीम का गठन किया गया है, तो नीरज पांडे पहले भी प्रयागराज में एसपी रह चुके हैं, तेज तर्रार ईमानदार छवि के अफसर माने जाते हैं, जो हाईटेक टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल करते हैं और पहले भी इस तरह के कई मामलों में वो जांच कर चुके हैं, खुलासा कर चुके हैं। पहले भी कई जो भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी का मामला था, पेपर लीक करने के आरोप थे, उनमें जो जांच टीमें थीं उनकी भी ये अगुवाई कर चुके हैं। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि एसटीएफ ने बहुत सक्रिय, बहुत तेज तर्रार अफसर को जांच सौंपी है और
इस उम्मीद के साथ सौंपी है कि बड़ा प्रोफाइल, हाई प्रोफाइल मामला है, बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं और गिरोह का नेटवर्क एक दर्जन से ज्यादा जिलों तक शामिल है। तो एसटीएफ के लोग अलग अलग टीमें बनाकर जांच करेंगे और जहां जरूरत पड़ेगी वहां जाएंगे, हिरासत में लेंगे, गिरफ्तारियां करेंगे और उन सबसे बड़ी बात यह होगी कि इस तरीके के सबूत जुटाएंगे, उतने गवाह तैयार कराएंगे ताकि इस मामले में सजा दिलाई जा सके, मामला कोर्ट में भी स्टैंड कर सके। अभी तो बड़ी बड़ी बातें हो जाती है लेकिन ज्यादातर मामलों में हम ये देखते हैं कि बाद में कोर्ट में मामला स्टैंड नहीं कर पाता है। और जो ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला, मोहम्मद मोइन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। देखिए ये भर्ती प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि लाखों अभ्यर्थियों को प्रभावित करती है। 69,000 चुने जाने थे, चुने भी गए अब, लेकिन ये लंबित है, स्टे लगा दिया कोर्ट ने। लेकिन अब एसटीएफ मामले की जांच कर रही है तो एबीपी गंगा एसटीएफ के एक एक मूवमेंट पर नजर रखे हुए और एबीपी गंगा पर आपको एक एक अपडेट इस पूरे प्रकरण से जुड़ा हुआ मिलेगा। आपके जहन में जो सवाल है वही सवाल एबीपी गंगा उठा भी रहा है। लगातार एबीपी गंगा ने सवाल उठाए, स्टूडेंट्स ने, अभ्यर्थियों ने शिकायतें की कि मामले में घपलेबाजी हुई है, घोटाला हुआ है। मामले को प्रमुखता से जब एबीपी गंगा ने उठाया तो अब जांच भी बैठ गई है, जांच भी की जा रही है। तो एक एक अपडेट्स के लिए आप लगातार एबीपी गंगा देखते रहिए। अब हम जरा खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। फिल्म अभिनेता सोनू सूद के बाद अब प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए महानायक अमिताभ बच्चन भी मैदान में आ गए, जिन्होंने मुंबई में फंसे हुए मजदूरों को विमान के जरिए उनके घर भेजने की कवायद शुरू की है। अमिताभ बच्चन की तरफ से मजदूरों को घर वापसी के लिए 6 विशेष विमान उन्होंने चलवाए हैं। इनमें से 2 चार्टर्ड प्लेन मुंबई से लखनऊ प्रवासियों को लेकर आएंगे। और आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन ने मुंबई में फंसे हुए लोगों को घर भेजने के लिए 6 विशेष विमानों का इंतजाम किया है। इनमें से 4 फ्लाइट्स कल आ चुके हैं और 2 फ्लाइट्स आज लखनऊ आनी है और हर विमान में 180 यात्री सवार होकर अपने गृह राज्य तक पहुंचाए जा रहे हैं। और 2 फ्लाइट्स आने वाले हैं। हमारे संवाददाता संतोष आपको और ज्यादा अपडेट्स देंगे इस खबर पर। संतोष, 2 फ्लाइट्स आने वाले हैं, 180 यात्री इसमें शामिल होंगे। बहुत बड़ी पहल है, सराहना करनी होगी अमिताभ बच्चन की। जो काम सरकारों को करना चाहिए था वो काम ऐसी बड़ी हस्तियां कर रही हैं। लेकिन कब तक ये फ्लाइट्स आएंगी और आने के बाद वो उनके घरों तक पहुंच जाए उसके बाद कौन सुनिश्चित करवाएगा? क्या ये भी अमिताभ बच्चन ने ही सुनिश्चित करवाया है कि एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी वो ही करेंगे या राज्य सरकार की तरफ से है कोई व्यवस्था? देखिए, कोरोना के इस काल में जब लोग, जो खास करके वो गरीब तबके के प्रवासी मजदूर जो अपने रोजी रोजगार के लिए मुंबई जैसे बड़े शहर में फंस गए थे, उनको घर पहुंचाने के लिए जिस तरीके से फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने कवायद की, एक अभियान के तहत लोगों को घर पहुंचाया, उसके बाद से एक अलग छवि बनकर के आई। और उसी कड़ी में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के द्वारा फ्लाइट्स, स्पेशल फ्लाइट्स चलवा करके उनको अपने निजी खर्चों से प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुँचाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत अमिताभ बच्चन ने अपने गृह जनपद प्रयागराज से की। प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी में उनके द्वारा जो प्रवासी मजदूर थे वो स्पेशल फ्लाइट से भेजे गए, लेकिन लखनऊ में 2 फ्लाइट्स आनी हैं। ये कल के लिए पहले कहा गया कि कल वो फ्लाइट्स आ सकती थी लेकिन कल उनका कोई कार्यक्रम नहीं आया। आज उम्मीद जताई जा रही है कि आज लखनऊ एयरपोर्ट अथॉरिटी को उनका कार्यक्रम आएगा कि दो इंडिगो की फ्लाइट्स हैं वो कब लैंड करेंगे और उनमें, चूँकि लखनऊ से उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में प्रवासी मजदूरों को जाना है, लिहाजा करीब 2 फ्लाइट्स यहाँ पर आएंगी और हर एक फ्लाइट में 180 मजदूर होंगे। इसके साथ ही जब यहाँ पर उतरेंगे जो मजदूर, प्रवासी मजदूर होंगे, उनके व्यापक चेकिंग की जा रही है, थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और उसके बाद उनको घर जो पहुँचाने की कवायद है वो, उसके लिए उन लोग जो अमिताभ बच्चन की तरफ से राज्य सरकार से भी कहीं ना कहीं संपर्क किया गया है। राज्य सरकार भी, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, जो आसपास का प्रशासन है, वो भी इस बात के लिए सक्रिय है कि अगर सदी के महानायक ने इन प्रवासी मजदूरों को मुंबई से लखनऊ तक भेजा है तो लखनऊ से कम उनको सकुशल उनके घरों तक पहुँचाया जा सके। हालांकि आवागमन शुरू हो गया है, अंतर्राज्यीय जो बस सेवा है वो भी शुरू कर दी गई है, लेकिन जैसे ही इन 2 फ्लाइट्स के आने का कार्यक्रम तय होगा तब लखनऊ का जिला प्रशासन एयरपोर्ट से उनके घरों तक कैसे पहुंचाया जाएगा उसको लेकर के अमलीजामा पहनाएगा कि बसें एयरपोर्ट पर लगेंगी या वो एयरपोर्ट से ला करके प्रवासी मजदूरों को कहीं पर रखा जाएगा, फिर उनके जिलेवार उनके बसों में बैठा कर भेजा जाएगा। जी। संतोष, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का मिशन मिलाप और आज फिर से
बहुत सारे मजदूर उत्तर प्रदेश लौटने वाले हैं, लखनऊ वो पहुंचेंगे और उसके बाद उनके गृह जिलों में उनको भेजा जाएगा। कहीं ना कहीं सराहना करनी होगी ऐसी हस्तियों की जो इस मुश्किल घड़ी में आगे हैं, चाहे वो सोनू सूद हों, चाहे वो अमिताभ बच्चन हों या दूसरे लोग हों। मुरादाबाद का रुख करें, बड़ी खबर मिल रही है जहां पर कोरोना वॉरियर्स पर हमले का मामला है। पथराव करने वाले अभियुक्त पर एनएसए लगा दी गई, एनएसए के तहत कार्रवाई की गई। तो ये खबर बड़ी है, जेल में बंद राशिद हुसैन पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई, रासुका लगा दी गई, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है। खबर बड़ी है, सहारनपुर में 57 विदेशी जमातियों को सजा का ऐलान किया गया है। उबैदुर्रहमान हमारे संवाददाता इस खबर पर आप और ज्यादा अपडेट्स देंगे। उबैदुर्रहमान बताएं। हाँ देखिए, मुरादाबाद के थाना नागपनी इलाके में नवाबपुरा में जो स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम पर हमला हुआ था, पथराव हुआ था, देश भर की खबरों में सुर्खियां बनी थी, तो उस मामले में योगी सरकार ने सख्त फैसला लिया है और कोरोना योद्धाओं पर जिन लोगों ने हमला किया था उनमें से एक जो राशिद हुसैन है जो मुरादाबाद की जेल में बंद है, उस आरोपी पर एनएसए की कार्रवाई की गई है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है कि ऐसे लोग जो संक्रमण काल में ऐसे योद्धाओं पर जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है या दूसरे लोग हैं जो कोरोना संक्रमण से लोगों की जान बचा रहे हैं उन पर अगर हमला होता है तो उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत ही कार्रवाई होगी। और ये एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है योगी सरकार ने कि ऐसे लोग जिन्होंने हमले किए थे डॉक्टरों पर, पुलिस की टीम पर, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। तो ये एक मामला अभी सामने आया, बाकी जो और आरोपी हैं उनके खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई के लिए फाइल लखनऊ गई हुई है, जैसे ही उनकी संतुष्टि होती है उन पर भी इसी तरह की कार्रवाई होने की उम्मीद है। जी, आपका इस तमाम जानकारी के लिए उबैदुर्रहमान धन्यवाद। तो मुरादाबाद की वो तस्वीर, वो घटना हर वक्त जहन में याद आ जाती है जब हाथों में पत्थर लिए हुए छतों पर खड़े होकर, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो पुरुष हों, स्वास्थ्य कर्मियों पर बरसाए गए थे। स्वास्थ्य कर्मियों के माथे से खून टपक रहा था इन पत्थरों को खाकर। और ये स्वास्थ्य कर्मी वहां पर इसलिए गए थे क्योंकि कोरोना संदिग्ध के उपचार के लिए उसको क्वारंटीन करना था और जो संदिग्ध था वो खुद रजामंद था जाने के लिए, लेकिन उसके बाद भी पत्थर बरसाए गए, पत्थर खाए स्वास्थ्य कर्मियों ने और पत्थर खाने के बाद भी इलाज किया। और ये भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी इस मामले में दे दें कि जिन जिन लोगों ने पत्थर बरसाए उसके बाद उनको कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया था, इसमें से बहुत सारे लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे और उनका इलाज भी इन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों ने किया जिन्होंने पत्थर खाए, जिनके माथे से खून बहा। अब योगी सरकार इनके ऊपर जो हमला हुआ उसको लेकर सख्त है, रासुका के तहत कार्रवाई की जाए। समाजवादी पार्टी ने यूपी के 9 जिलों में पार्टी के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है, यह एक बड़ी खबर मिल रही है। समाजवादी पार्टी ने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है, 9 जिलों में सपा के नए जिलाध्यक्ष बने हैं, नाम भी हम आपको साथ साथ बता रहे हैं। बहराइच में रामहर्ष यादव को बनाया गया, फैजाबाद में भी नियुक्ति की गई है, गंगा सिंह को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, कानपुर देहात में भी नियुक्तियां हुई हैं, कानपुर देहात में भी जिलाध्यक्ष बनाया गया है, प्रमोद यादव को जिम्मेदारी दी गई है, रायबरेली से वीरेंद्र को यह जिम्मेदारी दी गई है, रायबरेली में जिलाध्यक्ष वीरेंद्र को बनाया गया है। तो अनुज सिंह चित्रकूट के सपा जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। मुरादाबाद में भी बदलाव हुआ है, मुरादाबाद में जयवीर सिंह को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। तो सुल्तानपुर हो, श्रावस्ती हो, झांसी हो, इन जगहों पर बदलाव हुए हैं। सुल्तानपुर में पृथ्वी पाल को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, तो श्रावस्ती में सरबजीत को। वहीं झांसी की अगर हम बात करें तो महेश कश्यप को यह जिम्मेदारी मिली है। तो हम आपको सिलसिलेवार बता रहे हैं कि जो 9 जिलों में बदलाव हुए हैं, जो 9 जिलों में जिलाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वो कौन कौन है। तो चाहे वो फैजाबाद हो, बहराइच हो, कानपुर देहात हो, इन जगहों पर ये नियुक्तियां हुई हैं। बलिया में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने 200 बीघा जमीन को लेकर मोर्चा खोल दिया है और भूमाफियाओं के खिलाफ जांच की मांग की है, जिसके बाद से डीएम ने जांच के लिए कमेटी बना दी है और वो जांच रिपोर्ट देगी। बैरिया इलाके में ऐतिहासिक पशु मेले की जमीन को भूमाफियाओं द्वारा अपने नाम पर दर्ज करवाने और फिर उन भूमाफियाओं से बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के भांजे द्वारा जमीन खरीदने से नाराज बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने अब इन भूमाफियाओं के साथ ही मेले की जमीन खरीदने वाले कंपनी डायरेक्टर और बीजेपी सांसद के भांजे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और ज्यादा विस्तार से समझेंगे हमारे संवाददाता अजय इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। अजय बताइए कि किस तरीके से पूरा का पूरा मामला चल रहा है, क्या कुछ विवाद है। जी, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह
और बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह बस, ये दोनों लोग एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं और एक मेला लगता है ऐतिहासिक पशु मेला, उसकी जमीन बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह बस के भांजे ने जो कंपनी के नाम खरीदी है, डायरेक्टर भी हैं उसके, और ले पूरा मामला उसी जमीन को लेकर के। अब जमीन बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का ये कहना है कि जमीन जो है, इस जमीन पर सैकड़ों साल से मेला लगता आ रहा है और इस जमीन को बीजेपी के सांसद ने गलत तरीके से, अवैध तरीके से इसकी रजिस्ट्री करा ली है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर बीजेपी के विधायक और बीजेपी के सांसद ही आमने सामने आ गए हैं और मेले की जमीन को लेकर पूरा का पूरा विवाद है। अच्छा भारती, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो मेले की जमीन बीजेपी सांसद के भांजे ने उनके नाम है और बीजेपी विधायक का ये कहना है कि यहाँ तो मेला लगता है, तो ऐसे में किसी के नाम में नहीं होना चाहिए और बीजेपी के सांसद के भांजे ने गलत तरीके से इसकी रजिस्ट्री करवा दी है। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फॉरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए गंगा प्राइम।